गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर एज। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स। ओके, रैपिड रिवीजन बैच का ये हमारा आज फर्स्ट सेशन है, मतलब फर्स्ट डे है। तो ये 10 डेज तक आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इन दिस क्वेश्चन सेंटेंसेज आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स। 4 ऑल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में स्टूडेंट यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है, एक ब्लैंक है और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, तो हमें बताना पड़ेगा कौन सा आंसर यहाँ पे राइट बनेगा। ओके, सो सेंटेंस है, बोल रहा है ब्लैंक योर इंस्ट्रक्शंस, वी हैव क्लोज्ड योर बैंक अकाउंट। तो अब हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा इन सारी ऑप्शंस के, हमें पहले तो मीनिंग पता होने चाहिए तभी कर पाएंगे। इन लियू ऑफ का मीनिंग तो होता है इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ, विद रिगार्ड टू होता है किसी चीज़ से रिलेटेड होना, कंसर्न होना, इन अकॉर्डेंस विद होता है मीन्स वेन समवन, जब आपको कोई ऑर्डर करता है कि ऐसा होना चाहिए, दैट इट शुड बी डन। ओके, इट शुड बी डन। तो इन अकॉर्डेंस विद और ऑन अकाउंट ऑफ रीजन की सेंस में होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ए बी भी गलत ऑप्शन है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट साउंड कर रहा है। इन अकॉर्डेंस विद का एग्जैक्ट मीनिंग होता है स्टूडेंट्स टू अ रूल और द वे दैट समबडी सेज दैट समथिंग शुड बी डन। मतलब कोई एक ऐसा रूल या लॉ होता है जब कोई बंदा ये बोलता है कि ऐसा होना चाहिए। जो कोई भी जो बैंक है, बैंक की प्रायोरिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? बैंक तो यही चाहता है कि वो अपने कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरे, तभी तो बैंक का काम ज़्यादा बढ़ेगा, कस्टमर ज़्यादा जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो किसी कस्टमर ने कुछ प्ली की होगी, इंस्ट्रक्शंस दी होगी कि मेरा अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए, जैसे हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तभी तो होगा ना। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ब्लैंक शी इज क्लेवर, शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव है और सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे नेगेटिव है कि वो हालांकि सॉरी ये नेगेटिव है सेकंड वाली, हालांकि वो चालाक है फिर भी वो गलतियां करती रहती है, ठीक है ना। तो डिस्पाइट का बिल्कुल डिफरेंट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट होता है। डिस्पाइट तब यूज होता है व्हेन कंडीशंस आर नेगेटिव, रिजल्ट्स आर पॉजिटिव। सपोज आपकी तबीयत सही नहीं है, आप बोलते हो डिस्पाइट बीइंग इल आई अटेंडेड माई लेक्चर। तो आप बीमार हो फिर भी आपने क्लास लगाई, आपके बीमार होने के बावजूद भी आपने क्लास लगाई, तो डिस्पाइट तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, डिस्पाइट तो यहाँ नहीं बन सकता। सेंस टाइम के लिए आता है टेंस में और सेंस कंजंक्शन के तौर पे रीजन बताता है, रॉन्ग है। ऑल दो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ऑल दो शी इज पुअर। ऑल दो का यही कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स, ऑल दो और एक मैं आपको बता देता हूँ बट भी यही होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर होते हैं। बट मतलब जैसे मैं बोलता हूँ उसके पास बहुत पैसा है, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, लेकिन मदद तो किसी की करेगा नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव ये चलता है इनका काम, बट का भी यही काम होता है, ऑल दो का भी यही काम होता है। जब ऑल दो के साथ पहली पॉजिटिव आई तो आगे नेगेटिव आ गई, तो आंसर बनेगा हमारा सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। डू यू प्रेफर आर्केइक, ये होता है ओल्ड, रिलेटेड टू ओल्ड टाइम, पुराना। कंटेम्परेरी होता है प्रेजेंट टाइम। वैसे भी मैं बता दूं 4 ऑप्शन में से जो है 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग होती हैं, ये सी और डी तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये तो इररेलेवेंट ऑप्शंस हैं। अब ए और बी, अब ट्रेडिशनल भी तो पुराना ही होता है, अब पुराने के साथ पुराना तो जोड़ूंगा नहीं, प्रेजेंट टाइम हो जाएगा कंटेम्परेरी। डू यू प्रेफर कंटेम्परेरी और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, कि जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो आप पुराने पसंद करते हो या मतलब आज के प्रेजेंट टाइम के पसंद करते हो, ये बोलना चाह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। द स्ट्यू वार्डेस शोड द पैसेंजर, ये एक लेडी होती है जो क्या करती है, जिसका काम होता है, एक वुमेन होती है जो लुक आफ्टर करती है पैसेंजर्स को शिप में और एयरक्राफ्ट में, शिप और एयरक्राफ्ट में जो लेडी लुक आफ्टर करती है पैसेंजर्स का। तो उसने क्या दिखाया पैसेंजर्स को, क्या बताया उसने, व्हेन टू स्टार्ट ट्रैवलिंग, वेयर टू लैंड द प्लेन, हाउ टू फास्टन द सीट बेल्ट, ये सी बनेगा। ओके, मतलब एयर होस्टेस को भी बोला जाता है, जो एक अनाउंसमेंट होती है फ्लाइट, जो लोग मतलब फ्लाइट में जाते हैं, जहाज में जाते हैं, तो वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि मतलब प्लेन जो है ऊपर उड़ने वाला है, टेक ऑफ होने वाला है, तो आप जो है अपनी अपनी सीट बेल्ट को बांध लें, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये उसने उनको बताया दिखाया, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। मैनी पीपल रिपोर्टेड, अच्छा इस तरह की जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, इसमें लगता है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
क्योंकि ये एक्शन पास्ट का है। एक्चुअली यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे राइट नहीं, यहाँ पे नाइट होना चाहिए कि रात को उन्होंने शोर सुना, इसको उन्होंने रिपोर्ट करवा दी कई लोगों ने। जैसे मान लो हमारे घर के आसपास कोई फंक्शन हो रहा है, इतना नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, आप जो है रात को बहुत डिस्टर्ब हुए, तो नेक्स्ट डे जाके लोगों ने, काफ़ी लोगों ने जाके जो है रिपोर्ट करवा दिया। तो ये एक्शन तो पास्ट का है, तो ए तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, टू हैव हर्ड, ये स्ट्रक्चर अप्लाई होता है, टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, तो सी वुड बी द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, इलिक्ट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स जो कानून से बाहर वाली बात होती है, गैर कानूनी, इलीगल, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स। इलिक्ट मीन्स अनलॉफुल, विच इज नॉट लीगल, कंप्लीटली इलीगल। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, फ्लेयर, फ्लेयर होता है स्टूडेंट्स नेचुरल गिफ्ट, नेचुरल गिफ्ट। जैसे कईयों की वॉइस बड़ी मेलोडियस होती है, सो नेचुरल गिफ्ट के लिए यूज होता है, तो टैलेंट वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो ऑप्शन इरेलीवेंट होती हैं, दो ही ऑप्शन थोड़ी क्लोज होते हैं। टेंडेंसी, किसी काम को करने की इच्छा होती है, ठीक है, टेंडेंसी टू डू समथिंग, ओके। फ्लेयर टैलेंट है, तो टैलेंट मतलब नेचुरल गिफ्ट है, तो नेचुरल गिफ्ट है तो टैलेंट से ही लेट करना पड़ेगा। एक स्किल होता है स्टूडेंट्स, स्किल, स्किल वो चीज़ होती है जिसको सीखना पड़ता है, टैलेंट बाय बर्थ मिलता है बंदे को, स्किल और टैलेंट का डिफरेंस होता है। स्किल रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस से बिल्ड होती है स्किल, स्किल को बिल्ड किया जाता है थ्रू प्रैक्टिस। जैसे ड्राइविंग है, अब ड्राइविंग तो कोई टैलेंट नहीं है, ड्राइविंग किस में जाएगा स्टूडेंट्स, ड्राइविंग लेंगे हम, स्किल है ड्राइविंग, द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकता द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट, बिकॉज टैलेंट इज नेचुरल। ड्राइविंग हम सीखते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, चोटे खाते हैं, फिर ड्राइविंग सीखते हैं, तो ड्राइविंग इज अ स्किल, उसको सीखना पड़ता है, जो काम प्रैक्टिस से सीख सीख के बिल्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्किल, तो यहाँ पे टैलेंट हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, कंजर्वेशन होता है किसी चीज़ को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना। रेस्पिरेशन रॉन्ग है, बायस रॉन्ग है, नीड रॉन्ग है, तो यहाँ पे प्रिजर्वेशन हो जाएगा। प्रिजर्वेशन भी वही होता है स्टूडेंट्स, किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना, प्रॉपर वे में उसका यूटिलाइज करना। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड। टेक्स ऑफ, जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है, उड़ जाता है जहाज, तो फिर लैंड्स हो जाएगा। जब उतरता है जहाज कि कहीं पे लैंड होना होता है, तो टेक ऑफ मतलब उड़ना हो गया, लैंड करना मतलब नीचे आना हो गया, ठीक है ना। तो ऑपोजिट देना है हमने, तो ऑपोजिट देना है, ये दीज आर द ऑपोजिट वर्ड्स, तीन वर्ड्स होंगे यहाँ पे 9 to 12। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, निगार्डली, एक ऐसा बंदा जो कंजूस होता है, जिसके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन वो खर्च नहीं करता, माइजर, तो लैविशली, लैविशली इज वॉट, एक्स्ट्राविगेंट, लैविश लाइफ स्टाइल, शाही, रॉयल जीवन जीते हैं कई लोग, कईयों को पैसा बहुत होंगे तो फिर वो लैविश लाइफ स्टाइल होंगे उन्हों का, ठीक है जी, बाकी नहीं बनेंगे। कम टू द क्वेश्चन 11, मेलोडियस, मेलोडियस मीठा, सुरीला गाता है, ट्यूनलेस बेसुरा गाता है, हारमोनियस नहीं हो सकता, ऑडियस हेटफुल होता है, नहीं होगा, मेलिफिलियस नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ये सिनोनिम है, मेलिफिलियस भी वो प्रॉपर वे में साउंड होता है, बट हम ऑपोजिट दे रहे हैं तो ट्यूनलेस हो जाएगा। कम टू द 12th, इन दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट है उसके लिए एक वर्ड बताना है। एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, एक ऐसा इंडिविजुअल जो अपनी हेल्थ को बहुत मतलब चिंतित रहता है, अपने हेल्थ के बारे में बहुत सोचता है, वरिड रहता है अपनी हेल्थ को लेके, ठीक है। दैट द राइट वर्ड वुड बी ओवर हियर आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस, हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया ही वो वर्ड होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया मीन्स होता है कैसा इंडिविजुअल जो अपनी हेल्थ को लेके बहुत एनजाइटी रखता है, बहुत मतलब वरिड रहता है। मेलाइज, डिसअफेक्टेड, मेलिंगर नहीं होगा, ये वो होता है जो ज़्यादा केयर नहीं रखता। कम टू क्वेश्चन नंबर 13th, द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, इसका राइट आंसर बनेगा आइडोलेट्री। एथिज्म, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, थीज्म, वन हु बिलीव्स इन गॉड, ओके, तो ये तो नहीं होंगे, तो राइट आंसर हमारा हो गया आइडोलेट्री। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14th, समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, मतलब कुछ ऐसा जो हेल्थ के लिए जहर होता है, वो होता है टॉक्सिक, पॉइजन होता है एक तरह से। ट्रिवियल अनइम्पॉर्टेंट होता है, टॉपिक ट्रेजिड नहीं होंगे, रॉन्ग ऑप्शन है, टॉक्सिक इज द राइट आंसर ओवर है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15th, डायरेक्शन, इन दीज क्वेश्चन 4 ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम फ्रेज इन द बोल्ड इन द सेंटेंस, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, मतलब ये इडियम्स के हमें मीनिंग देने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, जिदा मुहावरे होंगे हिंदी पंजाबी, थ्रो इन द टॉवल, जैसे ये ना, ये जो मुहावरा है स्टूडेंट्स, ये बॉक्सिंग से निकला, एक्चुअली बॉक्सिंग करते हैं ना जब रिंग में दो प्लेयर, तो फिर जब एक हार जाता है तो वो क्या करता है, अपने टॉवल को ना, टॉवल को नीचे गिरा देता है वो, मतलब डिफीट को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। फाइट विद विगर, गलत है,
सक्सेस मिलना रॉन्ग ऑप्शन है, कॉन्सेंट्रेट मोर रॉन्ग ऑप्शन है, एक्नॉलेज डिफीट, एक्नॉलेज होता है मानना, डिफीट को हार को मान लेता है और अपने टॉवल को नीचे गिरा देता है वो। कम टू द 16th, मैनी यंग आर्टिस्ट वर ड्रॉपिंग नेम्स, ड्रॉपिंग नेम्स एट द पार्टी टू इम्प्रेस द गैदरिंग। कई इदा दे बंदे होंदे हैं ठीक है, जो की शो करते हैं साढ़े सामने कि उन्हों का ना बड़े बड़े हाई प्रोफाइल बंद बड़ा लिंक है, मतलब बड़े मतलब उन्होंने लिंक हैं, बड़े बड़े बिग विग्स भी कहते जे हाई प्रोफाइल पीपल होंगे स्टूडेंट्स, उन्होंने बिग विग्स भी बोलते, बड़ी हस्तियाँ कि बड़े मतलब बड़े लोगों के साथ उनके लिंक है और वो गैदरिंग जो इकट्ठी हुई होती है पार्टी में उनको इम्प्रेस करने के लिए ऐसा करते हैं। तो हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस हो जाएगा। यूजिंग पेट नेम्स गलत है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है, सी वुड बी द राइट आंसर वो। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, द टीचर अनाउंस दैट शी हैड नो ब्लू आइड बॉयज इन द क्लास। टीचर ने अनाउंस किया कि उसकी क्लास में कोई भी ब्लू आइड बॉयज नहीं है, मतलब कोई भी उसका फेवरेट नहीं है, कोई भी फॉरनर नहीं है रॉन्ग ऑप्शन, कोई भी यंग बॉय नहीं है रॉन्ग ऑप्शन, कोई भी रॉयल चिल्ड्रन नहीं है रॉन्ग ऑप्शन, फेवरेट नहीं है उसका कोई, मतलब कोई फेवरेट लड़का ही नहीं है पूरी क्लास में, ये बोलना चाह रहा है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, इन दीज क्वेश्चन फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन इज मिसस्पेल्ड। पहली स्पेलिंग रॉन्ग है, इसमें ई नहीं आता, इसमें ई यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे ई नहीं होगा, सी ए वी एल सी ए डी ई, ये भी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, ए रॉन्ग है, राइट स्पेलिंग क्लियर वोएंट की है, सी एल ए आई आर वी ओ वाई ए एन टी, बी वुड बी द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, क्यूमुलेटिव रॉन्ग स्पेलिंग, कोमेमोरेट डबल एम आता है, ये भी गलत हो गया, ये भी रॉन्ग है, अक्यूमुलेटिव ए डबल सी यू एम यू, एम सिंगल आता है, ये भी रॉन्ग हो गया, अकोमोडेट की राइट स्पेलिंग है, ए डबल सी ओ डबल एम ओ, अकोमोडेटिव में ही डबल एम आता है, डबल सी आता है ठीक है, अक्यूमुलेटिव जो सी ऑप्शन है स्टूडेंट ये कला एम आता है, डबल एम नहीं आता, कोमेमोरेटिव डबल एम आता है, सी ओ डबल एम ई डबल एम ओ आर ए टी आई वी, और क्यूमुलेटिव भी सिंगल एल आता है, डबल एल नहीं आता, इतने एक ही एम आऊगा इतने, क्लियर। कम टू द 20th, बेनिडिक्शन बेस्ट मर्च की स्पेलिंग राइट है, बेनिफिशियंट की स्पेलिंग राइट है, बेनिवोलेंस की स्पेलिंग भी राइट है, बेनिडिक्शन में ई आता है, तो ए वुड बी द राइट आंसर, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर फर्स्ट सेशन स्टूडेंट्स, आज का हमने जो किया एलिमिनेशन मेथड पे जाना होता है, नॉलेज के थ्रू ही हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और कोई भी तरीका नहीं है ठीक है। जितना अगर आपको नॉलेज होगा, आपको पता होंगी स्पेलिंग्स, ताही तुसी कर पाओगे, ताही दूजी ऑप्शन तुसी एलिमिनेट कर पाओगे ठीक है। तो कीप इन टच विद आर सेल्फ स्टूडेंट्स, करियर एज के साथ जुड़े रहो और इन इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठाओ, सो दैट आपके जो ये एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे अभी पटवारी का आ गया, पेपर की डेट आ गई 8th अगस्त को होगा, 8 अगस्त नूं तुहाडा पटवारी का पेपर होएगा, तां तुहानूं मैथ्स का भी रीजनिंग का भी सारे सब्जेक्ट जिन्ने तुहाडे पेपर जाने हैं ठीक है, पंजाबी, तो इहदा तुसीं फायदा उठाओ। तो करियर एज तुहानूं इन्ना वधिया प्लेटफॉर्म दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट तुहानूं ये क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इनको क्लासेस को शेयर करो, जितना हो सकता है इसको शेयर करिए और जो है इनका फ़ायदा उठाइए। जो भी आपके कोई नियर एंड डियर वंस हैं जो स्टेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी इन क्लासेस को शेयर कर सकते हो और वो भी जो है इनका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।